डायलिसिस टेक्नीशियन होते हैं आपके, और फिर ये ऑपरेटिव थिएटर टेक्नीशियन होते हैं, सीटी टेक्नीशियन होते हैं, एमआरआई टेक्नीशियन होते हैं, और दूसरे जो ट्रेनिंग होते हैं, तो उसका भी एक मरकज हम चाहते हैं कि मोहनपुरे में हम बनाएंगे, तो ये भी हम फ्री रखेंगे बोलकर हमारा इरादा है। फिर उसके बाद मोहनपुरे में इरादा ये भी है कि कैरियर गाइडेंस सेल एक बनाएंगे हम, जहाँ पे एक्सपर्ट्स रहेंगे ऑनलाइन और स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि कौन से कैरियर को आप चूज कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हमारा इरादा है कि मोहनपुरे के सेंटर, हमारी जो बिल्डिंग है वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट सेंटर भी बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि क्वालिफाइड बच्चे जो हैं उनको हम प्लेसमेंट्स के लिए भी कोशिश करेंगे। और फिर हमारा इरादा है कि वहाँ पे हम एक कॉल सेंटर भी रखेंगे जो कैरियर गाइडेंस एंड जॉब प्लेसमेंट का भी हेल्प करेगा या गाइड करेगा हमारे पुराने शहर के स्टूडेंट्स को, बच्चों को। और फिर वो मोहनपुरे में हमारा इरादा ये है कि 10th ड्रॉपआउट जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा तालीम से जोड़ने के लिए इवनिंग में वहाँ पे भी हम कुछ क्लासेस करेंगे 10th ड्रॉपआउट के लिए। और फिर इंटरमीडिएट ड्रॉपआउट है अगर कोई, तो उनको भी हम इवनिंग में लाकर करेंगे। और अगर कोई ग्रेजुएशन में भी अगर ड्रॉप आउट हो गए हैं तो उनको ओपन यूनिवर्सिटीज से, और अगर उनकी एज हो जाती है तो वन टाइम भी वो लोग एग्ज़ाम्स में जाके वन टाइम एग्ज़ाम्स लिख के भी ग्रेजुएट हो सकते हैं। और फिर ओपन स्कूल भी है 10th का, वो भी हम करेंगे। और फिर उसके साथ साथ हमारा इरादा है कि मोहनपुरा की जो सेंटर है वहाँ पर 10th की भी कोचिंग फ्री करेंगे, इंटरमीडिएट की फ्री कोचिंग करेंगे, ग्रेजुएशन की भी फ्री कोचिंग करेंगे। तो ये इरादा है इंशाल्लाह ताला हम एक 4-6 महीने में मोहनपुरे के उस सेंटर में ये सारी तालीम का आवास करेंगे। और उसके साथ ही साथ ये बिल्डिंग जो आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारा इरादा है कि इस साल या फिर आइंदा तालीमी साल, देखते हैं, हुआ तो इस साल ही हम यह चाह रहे हैं कि नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक फिर से एक यहाँ पर भी दाखिला दें। और उसकी वजह यह है कि अतराफ अकनाफ के जितने भी रेंटल जो बिल्डिंग्स में जो स्कूल्स थे वो स्कूल्स बंद हो गए और बच्चे बहुत परेशान है। जिस वक्त स्कूल्स खुलेंगे तो जब पता चलेगा कि कितने स्कूल्स बंद हो गए हैं और कितने बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। राइट नाउ तो अभी कोई नहीं बोल सकते, लेकिन रेंटेड बिल्डिंग में जितने थे वो कई स्कूल्स बंद हो गए, तो वो बच्चे फिर उनका एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो उस ताल्लुक से भी आज हम बैठ कर जायज़ा लिए और उसको भी किस तरीके से देखकर हम अपनी जानिब से तआवुन या मदद कर सकते हैं वो बच्चों को यहाँ पे दाखिला देने के वास्ते, वो भी हम पूरा जायज़ा लिए। और अगर हम 2020 जो B19 से लेकर अगर आज तक देखें तो अब तक हमारे स्कूल्स पर करीब 50 करोड़ रुपये का सरफा कर चुके हैं, और अभी हमको और आगे भी सर्व करना है और ये स्कूल्स को कंप्लीट करना है। तो बहरहाल एक काम हो रहा है। और फर्स्ट लॉकडाउन में हम कैसा काम कर रहे थे आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से हमने इमदाद तकसीम की थी, ज़िंदगी के हर शोबे हयात से ताल्लुक रखने वालों की मदद भी हमने की और हमारी जानिब से कोशिश की थी, अल्लाह ने उसे काम लिया। सेकेंड लॉकडाउन में मैं नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे लॉकडाउन में हम अपनी जानिब से, मेरी जानिब से, मेरी ज़ात की जानिब से और मेरे ख़ुद के ट्रस्ट जो सालार मिल्लत के नाम से चलाया जाता है, जिसमें किसी का कोई ताउन नहीं होता है, सिर्फ मैं अपने तरफ से चलाता हूँ, तो हम पका हुआ खाना दिए
और आप लोग जानते हैं कि काफी लोगों को हमने पका हुआ खाना तकसीम किया सेकेंड लॉकडाउन में, और शायद करीब 1,00,000 लोगों का पका हुआ खाना सेकेंड लॉकडाउन में 1,40,000 पका हुआ खाना हमने तकसीम किया, और फिर 20,00,000 रुपया हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के तकसीम और रीफिलिंग के लिए मैंने अपनी जानिब से मेरे कॉर्पोरेटर्स के ज़रिए हमने किया। और एक बात भी मैं बोलूँगा ज़रूर कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उसको भी मेरी जानिब से और मेरे चलाए जाने वाले ट्रस्ट की जानिब से 30,00,000 रुपये का दिया हमने दिया। तो ये सेकेंड लॉकडाउन में भी 30,00,000 रुपये मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट को हमने अपनी जानिब से दिया, जिसके ज़रिए चंद्रायन गुट्टे के मुतासरा और ऑक्सीजन की ज़रूरतमंद लोगों की मदद की गई, और वो मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था उसमें भी हमारी जानिब से तआवुन हुआ उस 30,00,000 के ज़रिए, और फिर 20,00,000 अलायदा हमने अपनी जानिब से अपने कॉर्पोरेटर्स के ज़रिए कई लोगों को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तकसीम की। और ये हकीकत है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि मेरी गैर मौजूदगी के बावजूद भी हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे के मुतासरा लोगों को परेशान होने से मेरे कॉर्पोरेटर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स और कारकुनों ने काफ़ी मदद की। हमारे पास पूरी फहरिस्त है कि कितने लोगों की हमने मदद की, और फिर खाना भी खर्च हुआ करीब फिर से 95,00,000 रुपया हमने सर्व किया सेकेंड लॉकडाउन में भी। तो बहरहाल काम हो रहा है, काम कर रहे हैं, आगे भी काम करना है इंशाल्लाह ताला, हम आगे भी काम करते रहेंगे। और सबसे ज़्यादा परेशान हाल वो असातिज़ा हैं जो स्कूल्स बंद होने की वजह से उनको कुछ तनख्वाहें नहीं मिली, तो उनके भी मदद का हमने वादा किया था। इंशाल्लाह हम अपने ऐलान के मुताबिक दरख्वास्तों को तलब करेंगे। हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे के जितने टीचर्स हैं उनको हमारी जानिब से कुछ राशन देंगे, और 2,000 रुपये की इमदाद भी हम अपनी तरफ से देंगे। और कोविड में जिन बच्चों के पेरेंट्स का इंतकाल हो गया उन बच्चों की फ्री तालीम हमारे स्कूल्स में चंद्रायन गुट्टे की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हद तक हम उन बच्चों का इंतज़ाम करेंगे, और चंद्रायन गुट्टे से हटकर भी हमारे स्कूल्स याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, नशीमत नगर में हैं, वहाँ पर भी अगर कोई कोविड से अगर किसी का इंतकाल हुआ किसी के पेरेंट्स का, तो उन बच्चों को भी हम फ्री तालीम हमारे नशीमत नगर के स्कूल में देंगे। और अंबरपेट में भी हमारा स्कूल है, अगर वहाँ पर भी अगर किसी के पेरेंट्स कोविड में इंतकाल हो गया है तो उनको भी हम हमारे अंबरपेट के स्कूल में फ्री तालीम का इंतज़ाम करेंगे। और इंटरमीडिएट के अगर कोई स्टूडेंट है जिनके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट का भी अगर इंतकाल हुआ कोविड से, तो हम उनको भी कुछ स्कॉलरशिप देने का ऐलान करें हैं। 4,000 रुपीज़ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को देंगे, और अगर डिग्री पढ़ रही है अगर कोई लड़की या लड़का जिनके पेरेंट्स मुतासर हुए उनको भी हम 5,000 रुपी ग्रेजुएशन के वन टाइम एक स्कॉलरशिप भी हम देंगे हमारी तरफ से। तो ये ऐलान हमने पहले किया था, तो इन ऐलान के लिए हम ऑनलाइन दरख्वास्तें मंगाएंगे सारे लोगों से। वो हमारा जो एक वेबसाइट रहेगा जो सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से है, तो वहाँ पे हम ओपन करेंगे, तो जितने टीचर्स हैं जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंपलसरी ये है कि अप्लीकेंट अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और चंद्रायन गुट्टे में रिसाइड करते हैं रहते हैं उसका एक एविडेंस और सबूत भी ऑनलाइन सबमिशन करना पड़ेगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो वो लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे हमारी स्कॉलरशिप के लिए या हमारी मदद के लिए। तो इंशाल्लाह वो भी हम एक 8 दिन में करेंगे, तो उस काम का ऐलान भी हो जाएगा, तो उससे भी आएगा
और भी अगर कोई मसाइल कोई ज़रूरतमंद लोग हमसे रुजू होते हैं तो इंशाल्लाह उनकी भी मदद करेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कॉर्पोरेटर्स, मेरे सरगर्म कारकुनान और दूसरों ने गैर मामूली काम किया है, जिसके लिए मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप। अब हम तो इस पे तवज्जो दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई और दे उस पे तवज्जो। सब दुआ करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं तो कोई वो काम करे, क्योंकि एक काम ये है कि एक पर्दे वाला सारा काम नहीं कर सकता। ज्यादातर स्कूल जो बंद हुए वो बिल्डिंग रेंट ना दे पाने की वजह से बंद हुए, तो ये प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल? अब मेरी जानिब से जो मैं कर सकता हूँ वो तो ऐलान कर चुका हूँ। अब रहा स्टेट गवर्नमेंट तक एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से इस मसले को उठाना, उन तक पहुँचाना और उनसे उम्मीद करना कि इस मसले का हल वो ढूंढ कर निकालें, ज़रूर इंशाल्लाह ताला रियासती हुकूमत से हम इस ताल्लुक से नुमाइंदगी करेंगे और देखेंगे क्या मदद हो सकती है इंशाल्लाह। सर वो 2000 पे जो मदद की इमदाद की बात हुई थी ना, चंद्रायन गुट्टे के हलके की हद तक रहेगा या फिर अपार्ट अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी रहेगा? नहीं, चंद्रायन गुट्टे हलके की हद तक ही रहेगा, जितने भी पहले ही मैं ऐलान कर चुका हूँ, वेरी क्लियर है, चंद्रायन गुट्टे की हद तक ही रहेगा। और हाँ, इसमें काफ़ी बंद हो गए, इसमें दीनी मदारस भी काफ़ी मुतासर हुए, दीनी मदारस के भी जो असातिज़ा हैं उनकी भी हम मदद करेंगे और उनको भी ताउन करेंगे अपनी तरफ। करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से, पूरा साल भर नहीं चलाया, फिर फुल फीस भरना बोल के तंग करें पूरे प्राइवेट स्कूल सब, वो भी है। और काफी बच्चे स्कूल्स बंद होने के बाद काफी बच्चे ड्रॉप आउट भी हो गए सर, तो उनके पेरेंट्स को कारोबार भी मुतासिर हुआ। देखिए सब क्या है इसमें, आप एक तरफा ही बात करते हैं, सवाल आप सिर्फ पेरेंट्स की इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन क्लासेस हुए, स्कूल्स बंद थे, उसके बाद में फीस ले रहे हैं, नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसका दूसरा रुख ये भी है कि आप लोग खुद बोल रहे हैं कि कई किराए के बिल्डिंगों में चलने वाले स्कूल्स बंद हुए, तो क्यों बंद हुए थे, क्यों बंद हुए? तो हर एक चीज का दो रुख है। हाँ, ये एक अलग बात है कि जब स्कूल्स नहीं चले, स्कूल्स बंद है, फुल फीस तो नहीं लेना चाहिए, कुछ तो कम करके लेना चाहिए, और वो लेकर वो अपने स्कूल्स को भी रिटेन करें और अपने स्कूल्स में जितने टीचर हैं जिनकी 10,000 तनख्वाह थी तो कम से कम 500 रुपए तो भी दें उनको। आप बोलिए एक टीचर जो बीएड है, एमएड है, क्वालिफाइड है, आज उन्हें दाने दाने को तरस रहा है, कोई उसकी बात नहीं कर रहे उस टीचर की, उसके बाद डिग्री है उसके पास, कई बच्चों को पढ़ा रहा था वो, और एक साल से स्कूल बंद है और गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 2 महीने देके उसके बाद बंद कर दिए, नहीं दिए उसको, तो वो एक पढ़ा लिखा आदमी आज रोड पर है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहे, उसके बारे में भी तो बोलना चाहिए ना। मेरी सारी हमदर्दियां उन टीचर्स के साथ हैं और मेरी जानिब से जो भी हो सकता है मैं उन टीचर्स की मैं मदद करूंगा, क्योंकि जरूरी है उनके लिए, वो मैं करूंगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये। और कुछ है तो बोलिए। वेबसाइट का आगाज कब से होगा सर? इंशाल्लाह वेबसाइट भी हम थोड़ा सा उसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं, भी कम्प्लीट नहीं हुआ, हमारे आईटी के जो जिम्मेदार हैं उनकी तबीयत थोड़ा खराब हो गई, तो इंशाल्लाह एक 8 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह। सर जो जॉब मिला जो जॉब प्लेसमेंट करेंगे, मेला नहीं, मेला नहीं, नहीं मेला नहीं है सर, जॉब प्लेसमेंट के लिए हेल्प करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग देंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में भी हम ट्रेनिंग देंगे। फिर ये देखिए आप, बैंक में वैकेंसीज आते हैं, रेलवेज में आते हैं, इंडियन आर्मी में आते हैं, कई जॉब्स खुलते हैं लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मालूम, तो हम वो गाइड करेंगे कि बताएंगे कि देखिए ये ऑप्शंस आपको खुले हैं, रेलवेज में ये नौकरियां हैं, इंश्योरेंस में ये नौकरियां हैं, बैंकिंग सेक्टर में ये नौकरियां हैं, क्यों नहीं आप पढ़े लिखे लोग उसमें अप्लाई करते हैं, हम वैसा गाइड करेंगे।
नहीं फिलहाल तो हम एक ही सेंटर डाल रहे हैं साहब उसी में मुगलपुरे में, वहीं से भी स्टार्ट बाद में जैसा होते जाता और साहब आप काफ़ी खिदमत कर रहे हैं लोगों की, तो लोगों में जो है काफ़ी बेचैनी भी नज़र आती है कि अकबर साहब खाली खिदमत कर रहे हैं और पॉलिटिकल मामले में जो है कम नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही मेरा पॉलिटिक्स में आने का मकसद खिदमत है, पॉलिटिक्स में आना पॉलिटिक्स के लिए मेरा मकसद नहीं है। लोग मुझे जानते हैं पहचानते हैं मेरे तकरीर के लिए, मगर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने पहचाने मेरी काम की वजह से। लोग जो है तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद आवाम की खिदमत नहीं करते हैं। लेकिन मैं खिदमत करता हूँ, बातें भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, और मेरा मकसद सियासत में खिदमत है, सियासत में सियासत के लिए नहीं आया। अगर मेरी खिदमत में अगर कोई कमी हो रही है तो आप सवाल करिए। अब रियासती हुकूमत को सोचना चाहिए, फैसला लेना चाहिए, एजुकेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको करना चाहिए। हिंदुस्तानी एक मुल्क है जहाँ पे स्कूल बंद है, बाकी जगह पे तो पूरे खुले हैं। मैं यूके से आया हूँ, यूके में तो पूरे स्कूल्स चले पूरा, अब समर हॉलीडेज हैं, यूनिवर्सिटीज पूरे नेक्स्ट एकेडमिक ईयर सेप्टेम्बर से खुल जा रहे हैं, अमेरिका में भी यूनिवर्सिटीज खुल जा रहे हैं। शायद हमारे पास अभी कुछ फैसला लेंगे, शायद उम्मीद करते हैं। अब मैं तो अपनी तरफ से अपने स्कूल्स नहीं खोल सकता हूँ, हुकूमत को फैसला लेना है, तो दूसरी चीज़ों में मसरूफ से ज़्यादा है हुक्मरानों की, शायद इस पर तवज्जो नहीं है, अब आएगी तवज्जो। मुसलमान अफराद को आपसे उम्मीद वाबस्ता है, हुकूमत रिजर्वेशन का वादा की है लेकिन अभी तक दी नहीं है, आप इस क्या स्टेप उठा सकते हैं ताकि हुकूमत रिजर्वेशन को समाप्त। तो वो तो मसला ज़ेरे दौरान है कोर्ट में, मामला वहाँ पे है, और बड़े बड़े लोग जब रेजोल्यूशन पास किया गया असेंबली में तो मिठाइयाँ खाए, गुलबोटियाँ कर लिए, अपनी दैनियत की तकलीमें कर लिए कि रिजर्वेशन मिल जाएगा, और मैं तो जब ही बोला था कि ये मुमकिन नहीं है, हमारा मौका तो सामने है, तो सवाल उनसे करना है कि मिठाई खाए, फूल पहने, कब मिलने वाला है, उनसे पूछिए। सर देश भर में स्कूल के मामले में केजरीवाल मॉडल की मिसाल किया जाता है, और हैदराबाद में स्कूल के मॉडल के मामले में अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की मिसाल की जाती है, क्या गवर्नमेंट स्कूल्स को भी आपके हलके में उसी तरह से डेवलप किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, अगर आप आके देखना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ, मेरे हलके के स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसा फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस है, वहाँ कैंपस में जूनियर एंड डिग्री कॉलेज मैं लेकर आया, इस वक्त सबसे ज़्यादा है। जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग नहीं थी तो मैं अपने तरफ से 25 लाख रुपये देकर बिल्डिंग बनाया वहाँ पर, मेरा MLA फंड में दिया हूँ, फिर MP फंड दिया हूँ, और भी जो है सो 20 करोड़ का चीफ मिनिस्टर साहब आज से 5 बरस पहले ऐलान कर रहे थे, फलकनुमा कैंपस के लिए, चंचलगुड़ा कैंपस के लिए ऐलान करे, जियो निकाले, लेकिन पैसा आया नहीं, उम्मीद करते हैं कि आ जाए, 5 साल हो गया, अगर वो आ जाता है पैसा तो शायद वो कैंपस और अच्छा डेवलप हो जाए। बारकस में भी हम करें पूरा कैंपस, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास एजुकेशन में ये जो रेजिडेंशियल स्कूल बारकस में, वहाँ से हमारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम्स को भी क्रैक कर रहे हैं, IITs में भी क्रैक कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। कलरन गुट्टे में हमारा मेन फोकस रहता है तालीम, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो या ओवरसीज स्कूल हो हमारे, हम ये कोशिश ये करते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो और तालीम अच्छी हो, और बच्चों को तालीम के ज़रिए उनके मुस्तकबिल को रोशन करें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हम मुकम्मल कामयाबी के साथ ये काम को अंजाम दे रहे हैं, फतेह ही नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी एक कोशिश है हम जो कर रहे हैं, शायद आज कामयाबी नहीं मिले, आइंदा 10 बरस बाद मिले, शायद इस कामयाबी या आज जो पौधा जो मैं लगाया हूँ इसके फल खाने के लिए शायद मैं जिंदा ना रहूँ, लेकिन ज़रूर कौम हमारी ज़रूर इसके फल खाएगी और इसके साये में फलेंगे फूलेंगे और आगे बढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है अल्लाह की दास। एक काम तो शुरू करें, नहीं वैक्सीन तो लेना चाहिए, वैक्सीन ही है जिसके जरिए हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं, वैक्सीन ही है और तो कुछ नहीं। अगर वैक्सीन का कोई मुतबादल है तो वैक्सीन ना लें, लेकिन वैक्सीन ही है
जिसके जरिए हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो मैं सारी आवाम से सबसे अपील करूंगा कि आप वैक्सीन लीजिए, अपने आप को इस वायरस से महफूज रखिए। सर कितने अभी इसी स्कूल्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे हैं सर? हमारे पास यहाँ पे चल रहा है, लड़की फूलबाग में एक है, हमारे दो स्कूल में चल रहे हैं वैक्सीनेशन के सेंटर्स, और दूसरी जगह पे ढलान टूटे में और इलाकों में भी सेंटर्स हैं गवर्नमेंट की जानिब से, फिर ओवैसी हॉस्पिटल में भी है, तो मुख्तलिफ जगह पे अब मुगलपुरा जो है वो चार मीनार में आता ना। देखिए मुगलपुरा जो है वो चार मीनार में ही आता है, नशीमन नगर और वो जो और एक हमारा पुराना जो साबिका डार्जिलिंग है, ये दो स्कूल यहाँ में आते हैं, तो हो रहा है काम और अंबरपेट में भी है। अब मेरी जानिब से जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह साहिब इसके साथ लोगों को भी ऐसी हिदायत दे और वो भी ऐसा काम करे, इंशाल्लाह करेंगे। सर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, क्या अकबर उद्दीन अवैसी यूपी जा रहे हैं? मैं अभी यहाँ आया, अब फिर यहाँ से भेजा जाने का सवाल क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लोगों, उत्तर प्रदेश के आवाम ये चाहती है कि अकबर उद्दीन अवैसी सार्वजनिक का कदम रखे एज ए स्टाफ कैंपस। भाई मैं योगी मन को हटा दिया मीडिया में सिर्फ एजुकेशन के बारे में बात है, पॉलिटिक्स में चलिए क्या बोले, योगी हुकूमत को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की आवाम चाहती है कि अकबर उद्दीन अवैसी वहाँ पर कदम रखे उस सार्वजनिक। मेरे कदम को यहाँ तो जमने दीजिए, मैं 8 महीने के बाद यहाँ आया, अब आप फिर से मुझे वहाँ भेजाने की बात कर रहे हैं? मुझे काम बहुत है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे काम पे तवज्जो देने दीजिए, मेरे स्कूल्स का इसका बाद में ऑटोमोबाइल बन रहा ना, आ रहे ना वहाँ पे देख रहे ना कितने ऑटोमोबाइल के शॉप्स खुले हैं, लाइन से खुल रहे हैं ना, मेन रोड पे आ गए ना, आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ेंगे, बोला क्या और कुछ है? बस है।